तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली ये भी सवाल एक थ्योरेटिकल है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वन अलग अलग स्टेटमेंट है। तो स्टील इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज, ये सच बात है, आंखों से आप देखे ही होंगे। स्टील जो है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। सेकेंड, इस क्यों यूज होता है? इलास्ट स्टील इज मोर इलास्टिक देन, स्टील इज ज़्यादा इलास्टिक होता है एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज हाई। इलास्टिक लिमिट और इलास्टिक क्या होता है? अगर कोई बॉडी है, ये मान लो स्टील है, स्टील की कोई बॉडी है, अगर मैं एक बाहर से फोर्स लगाता हूँ, ये बाहर से मैं फोर्स लगाता हूँ, तो इस बॉडी में कंप्रेशन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा कुछ बॉडी का शेप वैसे भी रह सकता है, लेकिन उसकी जो मतलब साइज चेंज हो सकती है, शेप भी चेंज होता है, ऐसा बात नहीं है। तो अगर मैंने फोर्स लगा दिया, तो इस फोर्स को हटाने के बाद जो बॉडी है वो अगर 100% रिकवर कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप को, तो उसको हम बोलते हैं कि बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। अगर मैं इस फोर्स को जीरो कर देता हूँ, भाई लगा रहा था बाद में, अब मैं बाद में इसको हटा लिया, तो बॉडी जो कंप्रेशन आया था, अगर बॉडी दोबारा अपनी शेप, ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेती है, तो मैं बोलूँगा जो बॉडी है वो मोर इलास्टिक है, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। मतलब रीगेनिंग प्रॉपर्टी जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना इलास्टिक होगा, और रीगेनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं होगा तो हम बोलेंगे वो प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको डिफाइन कर दिया, फिर भी पढ़े होंगे। और इलास्टिक लिमिट आपको पता होगा कि वह लिमिट जिसके बाद बॉडी मैक्सिमम लिमिट, जिसके बाद बॉडी अपनी प्रॉपर्टी ओरिजिनल से तो गेन करती ही करती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद डिफॉर्मेशन हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप ये थियोरिटिकल पढ़ लेना, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो ए इज़ नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल बोथ है इनकरेक्ट, ये भी गलत है, ठीक है। ये मतलब ये भी सही है, दो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।